इसको वॉल कर देता हूँ, इसको वॉल कर देता हूँ, और इसको मैं छोड़ देता हूँ। ओके ले स्टार्ट। ओके तो इसने बहुत अच्छी तरह एक पाथ फाइंड कर लिया। डार्क शेड जाके रखने के लिए, एक दोस्त गाली बकने के लिए, बड़ी जिंदगी हो एज भले शॉर्ट, उसमें जेबे भरी हो फुल भरा हो पॉट, उसमें सपनों का पैकेट पल को से खोलो, और फकीर को क्या चाहिए तुम बोलो। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले एक रैक इन अ मेज का विजुअलाइजर, जो एक्चुअली में बहुत अच्छा दिखने वाला है, एंड आपका एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, और इस प्रोजेक्ट की मदद से आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास एक रिएक्ट का एप्लीकेशन है, हमने इसको सिंपली रन कर लिया है ऑलरेडी, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। एंड हम लोग क्या करेंगे अभी, सिंपली हम लोग एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएंगे जिसके अंदर होगा हमारा हमारा जो रेड विजुलाइजर का जो मेन एप्लीकेशन। ओके तो हम लोग कॉम, ओके उसके अंदर हमारा रेड विज डॉट जेस, तो हमने सिंपली एक फाइल बना लिया है। इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक RAFCE एक स्निपिट है आप यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको सिंपली डाउनलोड करना पड़ेगा रिएक्ट का ये वाला, तो ES7 रिएक्ट रिडॉक्स एंड रिएक्ट नेटिव स्निपिट, सिंपली इंस्टॉल कर लेना, आपका भी काम कर जाएगा। ठीक है, हमने ये चीज कर लिया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग app.js के अंदर कॉल करेंगे। ओके हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इसका नेम क्या था, रैट विज। ओके ये इम्पोर्ट ऑटोमेटिक नहीं हुआ, तो हम लोगों को मैनुअली करना पड़ेगा इम्पोर्ट रैट विज। ओके हमने सिंपली इसको कॉल कर दिया, तो ये हमारा रैट विज शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ग्रिड होगा रेटिना मेस के लिए, उस ग्रिड को हम लोग बना लेंगे सबसे पहले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट, एंड हम लोग यूज करने वाले यूज स्टेट, सही यूज स्टेट। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड पहले हमारा एम्प्टी एक एरे होगा, उसके बाद हम लोग सिंपली उसको मैनुपुलेट करने वाले हैं, हम लोग एक अपना खुद का एक कस्टम ग्रिड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारा जो फास्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, जो हमारा पहला पोजीशन रेट का एंड चीज का जो पोजीशन है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली लिख लेता हूँ एन इज इक्वल टू, मैं पहले एन को 6 रखता हूँ, एंड कॉन्स्ट, तो हमने डिक्लेयर कर दिया हमारा स्टार्टिंग नोट का रो, स्टार्टिंग नोट का कॉलम, फिनिश नोट का रो एंड फिनिश नोट का कॉलम। ठीक है, तो हमारा फिनिश नोट n-1 होगा ऑब्वियसली। ठीक है, लास्ट जो हमारा नोड है उसको हम लोग n-1 रो एंड n-1 कॉलम होगा हमारा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा ग्रिड को हम लोग तैयार करेंगे, लेकिन जब भी हम ओपन करेंगे हमारा जो ब्राउजर है तभी हमारा ग्रिड लोड हो जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज इफेक्ट। ओके एंड यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग एम्प्टी एरे को पास करेंगे, क्योंकि एम्प्टी एरे मतलब एक बार ओपन होने के बाद रन करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग हमारा स्टेट को बनाएंगे, मतलब हम लोग कॉन्स्ट ग्रिड इज इक्वल टू क्रिएट मींस जेनरेट ग्रिड लाइक दिस, एंड उसके बाद जो हमारा ग्रिड मिलेगा हम लोगों को उसको हम लोग सेट कर देंगे। तो सेट स्टेट ग्रिड ग्रिड, ओके ये हमारा सिंपली सेट हो चुका है, लेकिन हमारे पास अभी ये जेनरेट ग्रिड का कुछ भी फंक्शन हमारे पास नहीं है, हम लोग सिंपली इसको बना लेंगे कॉन्स्ट जेनरेट ग्रिड फैट एरो फंक्शन, एंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको बनाएं कैसे, लेट ग्रिड
इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे फॉर लेट रो इज इक्वल टू जीरो एंड रो लेस देन एन रो प्लस प्लस एंड फॉर लेट कॉल इज इक्वल टू जीरो कॉल लेस देन एन कॉल प्लस प्लस एंड क्या करेंगे हम लोग सिंपली एक एम्प्टी एक टेम्प एरे बना लेंगे लेट टेम्प इज इक्वल टू एम्प्टी एक एरे एंड उस एम्प्टी एरे के अंदर डॉट पुश हम लोग क्या पुश करेंगे हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे मतलब क्रिएट नोड जिसके अंदर हमारा रो एंड कलम जाएगा ओके एंड ये चीज हो जाने के बाद हम लोग ग्रिड के अंदर पुश कर देंगे हम लोग टेम्प को एंड बाद में इसको सिंपली रिटर्न कर देंगे ग्रिड को ओके ये हमारा रिटर्न हो जाएगा लेकिन अभी हमारे पास क्रिएट नोड क्या चीज है एरर दे रहा है ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सिंपली क्रिएट नोड को बना लेंगे ओके मैं सिंपली इधर const create node flat arrow function ओके तो ये हमारा एरर चला जाएगा एक्चुअली ठीक है उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं सिंपली हमारा जो क्रिएट नोड के अंदर हमारा रो एंड कलम आ जाएगा एंड हम लोग रिटर्न क्या कर सकते हैं सिंपली रिटर्न कलम रो ई स्टार्ट तो ई स्टार्ट क्या हो जाता है ई स्टार्ट मतलब हमारा जो स्टार्टिंग का जो नोड ठीक है उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा रो इजिकल टू स्टार्ट नोड रो एंड कलम इजिकल टू स्टार्ट नोड कलम तो ये हमारा बन गया हमारा ई स्टार्ट तो ई फिनिश इसका मतलब क्या होगा रो इजिकल टू फिनिश नोड रो एंड हमारा कलम इजिकल टू फिनिश नोड कलम बन गया हमारा सिंपली एंड मैं इसको सिंपली फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ओके अभी हम लोग क्या करेंगे सिंपली इज स्टार्ट इज फिनिश हो गया अभी इज वॉल ये वॉल है या नहीं इसके लिए मैं सिंपली इसको फॉल्स करता हूँ अभी के लिए ओके इस पाथ हम लोग इस पाथ का मतलब क्या है मतलब हम लोग इस नोट की मदद से हम लोग हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं या नहीं ठीक है इसको मैं सिंपली पहले फॉल्स कर देता हूँ ओके एंड अभी कुछ और जरूरत नहीं है आई गेस एंड सिंपली ये रिटर्न करेगा एक ग्रिड इधर एंड ये हमने ग्रिड को रिटर्न कर दिया एंड ग्रिड को हमने सेट कर दिया अभी हम लोग करना क्या है ग्रिड को डिस्प्ले भी करना होगा ओके इसके लिए मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ मैं इसको भी हटा देता हूँ ओके एंड गुड टू गो डिव बना लेंगे डिव के अंदर हम लोग होगा क्या कि ग्रिड है हमारे पास अगर है तो ग्रिड डॉट मैप हम लोग सिंपली मैप करने वाले हैं रो रो का इंडेक्स ओके हमने ये कर लिया है एंड हम लोग क्या रिटर्न करेंगे सिंपली एक और डिफ ओके डिफ एंड सिंपली हम लोग एक और डिफ के अंदर क्या होगा हमारा कि पहले तो हम लोग की को डिफाइन कर देंगे की एक्चुअली में हम लोगों को मदद करता है कि अगर दो लिस्ट सेम हो तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग की को यूज करते हैं ठीक है मतलब यूनिकनेस ठीक है दो आइटम के बीच में तो हम लोग की के अंदर रो इंडेक्स कर देंगे हमारा एंड हम लोग सिंपली इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे सिंपली रो डॉट मैप रो को हम लोग मैप करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोगों को कॉलम मिलेगा एंड कॉलम का इंडेक्स मिलेगा तो इसके अंदर हम लोगों को कॉलम मिल चुका है तो अभी हम लोग क्या करेंगे कॉलम की मदद से const रो कॉलम इज फिनिश इज पाथ इज
स्टार्ट को ले लेंगे फ्रॉम पलम। ओके, हमने ये चीज ले लिया है। मैं इसको कॉलम ना करके नोट दे देता हूँ क्योंकि सेम नेम दो जगह हो जाएगा ये तो। ओके, हमने ये कर लिया है एंड ये क्या रिटर्न करेगा, एक नोड रिटर्न, एक नोड। ओके, लेकिन हमने तो नोड को बनाया नहीं है, हम लोग बना लेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या पास होगा, इसके अंदर हमारा पास होगा की क्या होगा, हमारा कॉलम का इंडेक्स इंडेक्स। ओके, रो इज इक्वल टू रो, कॉलम इज इक्वल टू कॉलम, इज फिनिश इज फिनिश, इज पाथ इज पाथ, इज स्टार्ट इज स्टार्ट। ओके, हम लोगों ने सिंपली इसको पास कर दिया है। ओके, एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये पास हो जाने के बाद हम लोग को एक नोट नाम का एक और फाइल बनाना होगा डॉट js। ओके, इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो नोट होगा उसको हम लोग बनाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर करेंगे एक RFC स्निपेट हमारा। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा हम लोग देख लेते हैं। हमारा आएगा रो कॉलम, हमारे पास आएगा रो कॉलम, इस फिनिश इस पाथ इस स्टार्ट। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एंड इधर पेस्ट कर देता हूं। ओके, तो ये हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस नोट की जगह हम लोग हमारे नोट को रिटर्न करेंगे जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब डीप के अंदर कुछ भी नहीं होगा। इसका आईडी हम लोग डिफाइन कर देंगे नोड, इसका जो रो ये एक्चुअली में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूं। ओके, एंड इसके बाद हमारा कॉलम आ जाएगा। ओके, इसका आईडी एंड इसका मैं क्लास दे सकता हूँ, क्लास नेम इज इक्वल टू सेम चीज मैं करने वाला हूँ नोट, एंड एक्स्ट्रा एक क्लास मैं ऐड करूंगा, मींस एक्स्ट्रा क्लास ऐसा कुछ। ओके, ये एक्स्ट्रा क्लास अब क्या है, तो एक्स्ट्रा क्लास को मैं बना लेता हूँ सिंपली। ओके, कॉन्स्ट एक्स्ट्रा क्लास इज इक्वल टू, तो एक्स्ट्रा क्लास के अंदर हमारा क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि इस फिनिश हाँ या ना, अगर यस हुआ तो हम लोग नोड फिनिश। ओके, इज स्टार्ट अगर हाँ हुआ यस ट्रू देन नोड स्टार्ट, इज पाथ अगर ट्रू हुआ तो नोड स्टार्ट। ओके, एंड अगर ये कुछ भी नहीं हुआ, और एक और चीज है हमारे पास वो है इज वॉल, मैं सिंपली इधर इज वॉल को मैंने आई गेस पास नहीं किया, इज वॉल इज वॉल। ओके, तो हमने ये पास कर दिया। ओके, इज वॉल यस या नो, अगर यस हो तो सिंपली मैं नोड वॉल, नहीं तो मैं सिंपली नल, कुछ भी नहीं। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, एंड ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद ये बहुत अच्छा शो कर रहा है, एंड मैं इसको सेव करता हूँ एंड सिंपली मैं जाता हूँ हमारे इधर, और इसने बोला है कि हमको पता नहीं है ये क्या चीज है। ओके, मैं सिंपली मैं इसको देख लेता हूँ, ये बोल रहा है 45 नंबर लाइन के अंदर ग्रीट क्या चीज है हमें पता नहीं है। ओके, हमने अभी तक ग्रीट को डिफाइन नहीं किया, ग्रीट इज इक्वल टू स्टेट, स्टेट से तू ग्रीट को ले ले।
ओके अभी नोट क्या चीज है भाई, नोट को तू सिंपली इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट नोट, ओके ये सिंपली इंपोर्ट हो चुका है। एंड 61 नंबर लाइन के अंदर बोल रहा है इज वॉल क्या चीज है, इज वॉल हमने तो इधर डिक्लेयर किया था, ओके हमने इधर हमने इज वॉल को नहीं लिया था, ओके ओके हमारे पास कुछ ऐसा एक लाइन आ रहा है हमारे पास जो दिखने में बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है, हम लोग इसको फिक्स करेंगे जल्दी से। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली क्लास, क्लास के नेम फ्लेक्स, मैं इधर सिंपली यूज कर रहा हूँ हमारा टेलविन सीएसएस, तो ये सिंपली अच्छा दिखाई देने लग गया। क्यों अच्छा दिखाई देने लग गया, क्योंकि मैंने नोट के अंदर जो जो क्लासेस यूज किया है उसको मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया इंडेक्स डॉट सी एस एस, जिसके अंदर हमारा नोड, जो नोड हमारे पास इधर है ये वाला नोड, ओके एंड जो भी हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो क्लासेस है उसको भी मैंने इधर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, जिससे थोड़ा सा टाइम बच सके, ठीक है। एंड इस स्टार्ट के अंदर हमने, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो इस स्टार्ट के अंदर हमने इमेज को सेट किया, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज हमारा जो रैट का इमेज था उसको मैंने सेट कर दिया, एंड उसके बाद नो रिपीट को मैंने ऑन कर दिया, एंड उसके बाद कवर मतलब जो इसका पेरेंट क्लास है, मतलब पेरेंट जो डिव है उसको कवर कर ले, इतना साइज तक होना चाहिए, ओके एंड इसका पोजीशन सेंटर सेंटर, ओके एंड सिंपली सेम चीज मैंने फिनिश के अंदर भी किया, एंड इस वॉल के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है, ठीक है, एंड इस पाथ के अंदर मैंने ग्रीन कर दिया, सिंपल, बहुत सिंपल चीज है। तो मैं इसको बंद कर देता हूं, एंड तो हम लोग इसको जस्टिफाई सेंटर, ओके एंड मार्जिन टॉप हम लोग दे सकते हैं 10, हाँ ये एक्चुअली में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इज वॉल, ओके अभी हम लोग इज वॉल को कैसे ट्रू कर सकते हैं इसको हम लोग देख लेंगे। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली फिर से जाना पड़ेगा हमारे नोट फाइल के अंदर, नोट, ओके हम लोग सिंपली आ चुके हैं हमारे नोट फाइल के अंदर, इधर हम लोग क्या करेंगे, ऑन माउस अप, ऑन माउस अप हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करेंगे ऑन माउस अप फंक्शन, जिसके अंदर हमारा रो एंड कॉलम जाएगा, ओके नाउ हम लोग इसको पास करेंगे माउस, ओके हम लोग इसको सिंपली पास कर देंगे हमारे प्रॉप्स के अंदर, ओके हमने सिंपली इसको पास कर दिया, इसको कैच भी करना होगा प्रॉप्स के अंदर, हम लोग इसको हैंडल माउस अप, ओके हैंडल माउस अप एंड हम लोग सिंपली हैंडल माउस अप को इधर डिफाइन कर देंगे इज इक्वल टू फैट एरो फंक्शन, एंड इसको मैं हटा देता हूं, ओके इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस नोट के इज वॉल को हम लोग ट्रू कर देंगे, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देंगे, सिंपल। तो इधर हमारा आएगा रो एंड कॉलम, ओके तो हम लोग सबसे पहले करेंगे कॉन्स्ट नोड, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है उसको हम लोग लेंगे ग्रिड से, रो कॉलम, ओके हमने सिंपली ले लिया है उसको, एंड हम लोग न्यू नोड बनाएंगे एक, जिसके अंदर जो प्रीवियस जो वैल्यू था नोड का वो वैल्यू रहेगा, लेकिन एक वैल्यू चेंज होगा, वो होगा इज वॉल। तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो नोड डॉट इज वॉल, तो हम लोग सिंपली उसको उसका ऑपोजिट से चेंज कर रहे हैं, मतलब अगर ट्रू होगा तो ये नॉट लगाने से ये ऑपोजिट हो जाएगा, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, एंड फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। सिंपली हमने सिंपली एक न्यू नोड क्रिएट कर दिया, एंड हम लोग सेट करेंगे न्यू नोड को ग्रिड ऑफ रो
कॉलम इज इक्वल टू न्यू नोड, एंड ये न्यू नोड हो जाने के बाद अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इधर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक सेट नहीं किया हमारे स्टेट के अंदर। तो हम लोग ग्रिड को डिलीट कर देंगे, एंड अगर मैं इधर क्लिक करूं तो आप देख सकते हो ये सिंपली रेड हो रहा है, ठीक है। तो ओके, ये अच्छी तरह काम कर रहा है। तो इसका एक्चुअली में मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने लिया है इस वाले वीडियो से। आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड आप सिंपली इसको भी देख सकते हो। ये एक्चुअली में डायस्ट्रा का एक विजुअलाइजेशन का एक एल्गोरिदम बनाया है। तो मैं सिंपली चला जाता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, एंड ये सिंपली हमारा सेट हो रहा है एक्चुअली में। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ओके, एंड ये ज्यादा ही छोटा हो गया। ओके, ठीक है, हमने ये सब कुछ कर लिया है। मैं इसको अगर ऐसे कुछ कर दूं तो ये हो रहा है। तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैं स्टार्ट बटन में क्लिक करूं तो ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो इसके अंदर मैं डिफ, जिसके अंदर एक बटन, ओके, क्लास, मैं इसके अंदर कुछ बटन, एंड इसके अंदर क्लास नेम इज इक्वल टू बी जी ब्लू 500, ओके, एंड इस बटन का मैं नेम दे देता हूँ स्टार्ट। तो ये एक्चुअली में अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड मैं इसको करता क्या हूँ, होवर करने से मुझे बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, इसको मैं 700 कर देता हूँ, एंड अगर मैं इसके अंदर होवर करूँ थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। ओके, टेक्स्ट को मैं व्हाइट कर देता हूँ, एंड मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फॉन्ट बोल्ड, ओके, पी वाई पैडिंग वाई एक्सिस में 2, ओके, पैडिंग एक्स एक्सिस में 4, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, एंड राउंडेड, थोड़ा सा राउंड हो गया है, ठीक है। एंड इसको सेंटर करने के लिए आपको सिंपली ऐप के अंदर जाना पड़ेगा, एंड ऐप के अंदर आपको सिंपली कुछ क्लासेस इधर ऐड करना होगा, वो है फुल, इससे ये फुल विथ ले लेगा, एंड हमारा हाइट हो जाएगा स्क्रीन, ओके, मतलब ये पूरा 100 VH ले लेगा इसका हाइट, एंड फ्लेक्स, ओके, हाँ ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ, जस्टिफाई सेंटर, ओके, ये सेंटर में आ चुका है, एंड इसको मैं कर देता हूँ आइटम्स सेंटर, ओके, एंड फ्लेक्स कॉलम, ओके, एंड मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेस वाई एक्सिस में 5, बहुत अच्छा शो कर रहा है ये। तो अगर मैं अभी स्टार्ट में क्लिक करूँ तो सिंपली ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपली जाएंगे हमारे रेड व्यूज के अंदर, ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि एल्गो रेट, ओके, इसको मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, एंड मैं सिंपली कॉन्स्ट, मैं सिंपली इधर लिख दूंगा कॉन्स्ट एल्गो एंड फैट एरो फंक्शन, एंड इधर हम लोग कॉल कर रहे हैं हमारे एल्गोरिदम को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर एक ग्रिड हम लोग बना लेंगे, ग्रिड ग्रिड, ओके, कहाँ से, स्टेट से, ओके, हमने सिंपली ये बना लिया है, एंड हम लोग क्या करेंगे, पाथ विजुलाइजेशन को हम लोग कॉल कर देंगे, मतलब, एंड अभी हम लोग कॉल कर देंगे हमारे रेटिना मेज का जो एल्गोरिदम है उसको। तो अगर ये एल्गोरिदम आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, आप
समझ जाओगे, बहुत इजी है। आपको थोड़ा बहुत बैक ट्रैकिंग आना चाहिए, सिंपल, ठीक है, एंड सिंपली रिकर्सन को थोड़ा सा आना चाहिए और इजीली हो जाएगा। ओके, हम लोग जाएंगे हमारे एल्गोरिदम के अंदर एंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कॉल करेंगे कॉन्स्ट एल्गो इज इक्वल टू, एल्गोरिदम को कॉल करेंगे रैट इन मेज। ओके, जिसके अंदर हमारा ग्रिड जाएगा एंड हमारा, हम लोग अभी कौन से इंडेक्स के अंदर है, मतलब 0 0 इंडेक्स के अंदर हम लोग अभी है, तो उसको हम लोग पास कर देंगे 0 0। ओके, एंड हमारा साइज कितना है n, सिंपली आपको पास करना होगा ये पैरामीटर, हो गया। ओके, नाउ ये रेटिना मेज ये हम लोगों को कहां से मिलेगा, इसके लिए आपको सिंपली एक और फाइल और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, एल्गो रिदम। ओके, जिसके अंदर हमारा रैट इन मेज डॉट जेस। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने एक फंक्शन बना लिया एंड हमने उसको सिंपली पास कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमारा आएगा ग्रिड, ठीक है, हमारा जो पहला इंडेक्स, मतलब हम लोग जिस पोजीशन के अंदर है एक्स एंड वाई, एंड हमारे पास आएगा इन। ओके, इन लाइक दिस आल्सो। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग कॉल कर लेंगे कि इंपोर्ट रैट इन मेज फ्रॉम, ओके, एल्गोरिदम रैट इन मेज, एंड ये सिंपली कॉल हो जाएगा। एंड अगर मैं इधर कंसोल डॉट लॉग एक्स एंड वाई, तो अगर मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये एक्स एंड वाई शो कर रहा है, ठीक है। बहुत इजी था ये पार्ट। हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे सबसे पहले, एंड इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक विजिटेड एरे बना, हमने इस वाले एक्स एंड वाई जो हमारा नोड है उसको हमने विजिट किया है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं आपको सिंपली बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, 4 6 7 8, 5 6 7 8, हमने 5 को विजिट किया है, मान लीजिए हमने 5 को विजिट किया है। ओके, हम लोग 6 के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोगों को कहाँ जाना है, 7 के अंदर। लेकिन एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि हमने 5 को विजिट किया है, तो अगर मैं इधर 5 को 1 कर देता हूँ, मतलब हमने विजिट कर लिया, तो ये जब इधर बैक में आए देखेगा इसको तो मैंने विजिट कर दिया, मतलब इस तरह, मतलब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इस तरफ जाऊंगा। ओके, उसके बाद मैंने 6 को भी विजिट कर दिया एंड 7 को विजिट कर दिया, 8 को विजिट कर दिया, मतलब मैंने जो जो एलिमेंट था सबको मैंने विजिट कर दिया है एंड ये सिंपली काम कर जाएगा। इसीलिए मुझे एक विजिटेड एक एरे बनाना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया आपको क्यों एक विजिटेड एरे बनाना होगा, लेट विज जो हमारा विजिटेड का एरे होगा, इधर मैट्रिक्स को कॉल कर देंगे हम लोग इन। ओके, नाउ कॉन्स्ट मैट्रिक्स। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वेर और लेट रिजल्ट इज इक्वल टू हमारे एम्प्टी एक एरे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इन आई प्लस प्लस, एंड हम लोगों के पास ये इन आ रहा होगा एंड हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट पुश। ओके, हम लोग क्या पुश करेंगे, न्यू एरे जिसका साइज होगा m एंड जिसको हम लोग फिल कर रहे होंगे 0 से। ओके, मतलब कुछ ऐसा 0 0 0 0 0, ओके, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0, सॉरी 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0, कुछ ऐसा हम लोगों के पास एरे हो, इसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं सिंपली एक रिजल्ट
रिजल्ट के अंदर हम लोग पुश कर रहे हैं, ये कितने बार होगा हमारा, एन टाइम्स, सिंपल है। ओके एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड ये कुछ एरर शो कर रहा है हमारे पास कि एम इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर, ओके एम नहीं है हमारे पास, एन है, टाइपिंग मिस्टेक एंड मैंने इसको सिंपली सही कर दिया है एंड ओके तो ये हमारा सही से काम कर जाएगा एंड एंड हम लोगों के पास एक विजिटेड एरे है, हम लोग एक और एरे बना लेंगे, पॉसिबल पाथ्स, ओके इज इक्वल टू एक एरे। ओके हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉसिबल पाथ्स को मैं एक न्यू सेट बना सकता हूँ जिसके अंदर हमारे रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा, मतलब सेम यूनिक एलिमेंट होगा जो कुछ भी होगा। ओके एंड मैं इसको सिंपली इधर सेट कर देता हूं इधर ऐसे। ओके एंड हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट हमारा एक रेस्पॉन्स आएगा सॉल्व। ओके तो हम लोग सॉल्व को कॉल कर रहे होंगे, सॉल्व के अंदर हमारा ग्रिड जाएगा एक्स एंड वाई एंड एन एंड विज एंड एक एम्प्टी स्ट्रिंग, क्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं बाद में, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट सॉल्व एंड फैड एरो फंक्शन एंड इसके अंदर आएगा हमारा ग्रिड, ओके एक्स वाई विजिटेड एरे एंड एक पाथ, ये होगा हमारा पाथ, मतलब किस पाथ से हम लोग एक्चुअली में फाइंड कर रहे हैं हमारा सॉल्यूशन। ओके इसको हम लोग स्टोर कर रहे होंगे। ओके इफ विज ऑफ एक्स एंड वाई, ओके ऑलरेडी वन, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी बोला था कि ऑलरेडी अगर वन होगा मतलब मैंने उसको ऑलरेडी विजिट कर लिया, इसको मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा, मैं उसको विजिट ही नहीं करूंगा, सिंपली रिटर्न फॉल्स। ओके अगर एंड उससे पहले हम लोग चेक क्या करने वाले हैं कि इफ रो इज इक्वल टू एन माइनस वन एंड कॉलम इज इक्वल टू एन माइनस वन, ओके मैं इसको एन कर देता हूं, ओके एन माइनस वन एंड एंड ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम का जो रो है उसका इस फिनिश ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पॉसिबल जो पाथ्स है उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे हमारा पाथ को, ओके एंड रिटर्न ट्रू। तो अभी मैं सिंपली एक पाथ को फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, पाथ में मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आप ऑल पॉसिबल पाथ को आप फाइंड कर सकते हो। ओके तो हमने अभी ये कर लिया है तो ओके हम लोग आगे जाएंगे। तो अगर ये दोनों फॉल्स हुआ तो सबसे पहले मैं उसको विजिट करूंगा, उस वाले एलिमेंट को मैं पहले विजिट करूंगा, विजिट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वन, मैंने उसको सिंपली विजिट कर लिया है। नाउ इफ इज सेफ, इसको हम लोग विजिट कर सकते हैं या नहीं, ये सेफ है या नहीं, जिस स्क्वायर पे हम लोग जा रहे हैं, जिस नोड पे हम लोग जा रहे हैं वो सेफ है या नहीं। ओके मतलब सेफ मतलब रो क्लास वन, मान लीजिए हम लोग अभी है इन माइनस वन रो तक, ठीक है रो पे हम लोग अभी बैठे हैं इन माइनस वन रो, ओके इन माइनस वन प्लस वन इजिकल टू एन, मतलब हम लोग जीरो से अगर इंडेक्स हुआ तो हम लोग इन माइनस वन तक हमारा एरे है, हम लोग एन तक चले जा रहे हैं, मतलब एन हमारा उस ग्रिड के बाहर कुछ एक एलिमेंट होगा, कुछ स्पेस होगा, उधर हम लोग जंप कर रहे हैं, लेकिन ये तो सेफ पोजीशन नहीं है, हम लोग तो ग्रिड के अंदर रहना होगा हम लोगों को, इसीलिए हम लोग चेक करेंगे कि ये चीज सेफ है या नहीं।
तो रो प्लस वन कॉलम को हम लोग सेट करेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली ग्रिड को सेंड करेंगे, एन को सेंड करेंगे एंड विजिटर को विज को सेंड करेंगे। अगर ये ट्रू हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पाथ इज इक्वल टू पाथ प्लस रो प्लस वन, मतलब क्या डाउन नीचे जा रहे हैं डाउन। ओके ओके इफ सॉल्व ऑफ रो, सॉल्व के अंदर हम लोगों ने जो पैरामीटर भेजा था वो कुछ ग्रिड, उसके बाद एक्स, ओके एक्स हमारा रो एंड कॉलम बन जाएगा, लेकिन एक्स हमारा ओके हमारा इधर एक्स होगा ओके, एंड ये एक्स ये वाई होगा वाई, एंड हम लोग एक्स प्लस वन में जा रहे हैं अगर सेफ है तो। ओके हम लोगों को इन सेंड करना होगा, विजिटर सेंड करना होगा, पाथ को सेंड करना होगा। ओके अगर ये ट्रू हुआ हम लोग रिटर्न ट्रू। ओके एंड ये हो जाने के बाद हम लोग पाथ को क्या कर देंगे, हमने उसके बाद वाले एलिमेंट को मान लीजिए, तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि पाथ इज इक्वल टू पाथ ऑफ सब स्ट्रिंग। ओके सब स्ट्रिंग को जीरो से हम लोग पाथ डॉट लेंथ माइनस वन तक हम लोग क्रॉप कर लेंगे, एंड मतलब हमने जो लास्ट जो कुछ भी एंटर किया था उसको मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मैंने उसको चेक नहीं किया। मतलब मान लीजिए मैं अभी वन पे हूं, मैंने टू तक चला गया, मतलब राइट मैंने चला गया, ठीक है। पॉसिबल हो सकता है कि मैं राइट में कुछ सॉल्यूशन नहीं भर रहा तो मैं बैक कर रहा हूँ, मतलब मैंने राइट को नहीं लिया लेकिन मैंने राइट को पहले पुश कर दिया था, मतलब मैंने इधर राइट को पुश कर दिया था, इधर जाने के बाद मुझे पता चला कि राइट पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं सिंपली उस राइट को इधर रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यही चीज मुझे करना होगा फोर टाइम्स। ओके लेकिन एक्स माइनस वन के लिए, एक्स माइनस वन मतलब अप, ओके ये कुछ सेम ही होगा, मैंने एक्स को ऑलरेडी कर लिया, एक्स वाई प्लस वन, वाई प्लस वन मतलब राइट हम लोग, इसको मैं हटा देता हूँ एंड वाई प्लस वन, ओके एंड वाई माइनस वन मतलब लेफ्ट, ये चीज हमारा हो चुका। अभी अभी ये सब कुछ विजिट हो जाने के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, विजिट ऑफ एक्स एंड वाई को हम लोग अनविजिट करेंगे, मतलब तो मुझे सिंपली इसको अनविजिट करना होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने एक एलिमेंट को विजिट कर दिया है, वो पाथ का हिस्सा है एंड उस पाथ से एक पाथ बन रहा है, नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी एक और पाथ को, अनदर एक पाथ को डिस्कवर करना चाहते हो और मान लीजिए ये एलिमेंट उस पाथ का हिस्सा है, तो मुझे इसको अनविजिट करना होगा एक बार पूरा विजिट हो जाने के बाद। समझ में आ गया? ओके तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग का एक हिस्सा है, बैक ट्रैकिंग आपको आना चाहिए, ये बैक ट्रैकिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये सब कुछ विजिट हो जाने के बाद हम लोग सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके एंड हमने अभी तक इस सेफ को बनाया नहीं है, कॉन्स्ट ऑफ इस सेफ। ओके तो इस सेफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो इस सेफ को मैंने बना लिया है, मतलब रो, अगर रो मतलब हमारा एक्स जो था इसको मैंने रो नाम दे दिया इधर, ठीक है। रो अगर जीरो से नीचे हो गया मतलब माइनस वन, तो ये पॉसिबल नहीं है, एंड रो अगर एन हो गया मतलब एन माइनस वन से ज्यादा,
तो पॉसिबल नहीं है, कॉलम भी सेम -1 होगा तो पॉसिबल नहीं होगा, एन होगा तो भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक को विजिट कर लिया, फिर से मैं उसको नहीं विजिट करूंगा। अगर ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम अगर इज वॉल ट्रू हुआ, मतलब वो वाला एलिमेंट वॉल है, मतलब उस एलिमेंट के थ्रू हम लोग नहीं जा सकते, रैट नहीं जा सकता, तो मैं उसको फॉल्स रिटर्न करूंगा अगर कुछ भी ट्रू हुआ तो, नहीं तो सेफ, यू आर सेफ। ओके, तो हमने ये कॉल कर दिया है एंड मैं सिंपली कॉन्सोल डॉट लॉग लॉग पॉसिबल पाथ्स। ओके, ये हमारा अभी एक पाथ रिटर्न करेगा। ओके, मैं सिंपली 12 में रो एंड कॉलम नहीं है। ओके, मैं सिंपली चेक कर लेता हूँ, 12 12 12। ओके, 12 में एक्स होगा, इधर इधर वाई होगा, एक्स वाई। ओके, सिंपली मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हो जा रहा है हमारा। मैं इसको सिंपली वाल मैं कर देता हूँ, हमारा पाथ होना चाहिए, ये जो पाथ है ये होना चाहिए। ओके, कान रीड जीरो, कहाँ पे है ये जीरो, रैट का 17। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये बोल रहा है कि कान रीड। ओके, कान रीड मतलब ये हमारा मैट्रिक्स को कुछ ये मैट्रिक्स को रीड नहीं कर पा रहा। मैं सिंपली इसको चेक कर लेता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ रिजल्ट, मैंने मैट्रिक्स को बनाया, ओ मैंने इसको पास नहीं किया था, मतलब रिटर्न नहीं किया था रिजल्ट। ओके, मैंने इसको सिंपली पास कर दिया है, मैंने इसको ओके ओके, आई होप सब कुछ सही है अभी। ओके, डाउन डाउन डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन, राइट डाउन। ओके, एक बहुत बड़ा एक कुछ आ गया है, लेकिन मैं सिंपली एक बना के देखता हूँ। तो डाउन 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 डाउन, मतलब ये डाउन जा रहा है इधर, मतलब इसका लास्ट एलिमेंट से आप देखना स्टार्ट करो कि राइट जो हमारा, मैं इसको अगर जूम कर सकता हूँ तो मैं सिंपली इसको जूम कर देता हूँ, वो ये जूम नहीं हो रहा। कंसोल कंसोल जूम करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस। ओके, ये जूम हो रहा है एंड ये हमारे पास पहले राइट जा रहा है। ओके, राइट, उसके बाद फिर से राइट, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स राइट 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 एंड राइट, 5 टाइम्स राइट एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सही काम कर रहा है एक्चुअली में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी विजुलाइज करने वाले हैं कि ये जो पाथ हम लोगों को मिला इसको हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। ओके, तो हो सकता है कि ये रेस इजिकल टू फॉल्स हो, मतलब हमें कुछ भी पाथ नहीं मिला तो रिटर्न ना, नहीं तो रिटर्न पॉसिबल पाथ्स। ओके, हमने इसको कहाँ पे कॉल किया था, हमने इसको कॉल किया था इधर। तो इफ हमारा एल्गो इजिकल टू नल, तो एक अलर्ट देंगे हम लोग पाथ नॉट फाउंड ऐसा कुछ एंड हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। ओके, एंड अगर हम लोग फाइंड कर सकते हैं तो फिर हम लोग सिंपली विजुलाइज करने वाले हैं कैसे हम लोग इसको पाथ को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक हमारा जो पाथ है उसको हमने ढूंढ लिया है, मतलब फाइंड कर लिया हमने, सिंपली अभी हमको उसको विजुलाइज करना है। ठीक है, कैसे, हमारे पास एल्गोरिदम के अंदर हमारा जो पाथ है उसको हम लोग सिंपली कलेक्ट करेंगे। तो हम लोग कैसे हमारे जो पाथ है उसको कलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमारा जो सेट है, मतलब ये एक सेट रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट
हम लोग फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग ले रहे हैं, तो फर्स्ट इज इक्वल टू, तो ये नेम कुछ भी हो सकता है, ये फर्स्ट कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने फर्स्ट दिया है। हम लोग सिंपली इधर हमारा एल्गोरिदम जो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग स्टोर कर रहे हैं एल्गो में, तो एल्गो को हम लोग इधर डाल दें, इज इक्वल टू हमारा एल्गो। ये हमको हमारा जो फर्स्ट जो पाथ है उसको हम लोगों को लाके देगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग फॉर लूप करेंगे एक, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, जो हमारा फास्ट है उसके लेंथ तक जाएंगे, लेकिन हम लोग बाद में एक चीज करने वाले, इसीलिए मैं सिंपली कॉन्स्ट ऑफ फास्ट को मैं str इज इक्वल टू फास्ट कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली सिंपली फास्ट को इटरेट नहीं करता हूँ, मैंने सिंपली एक एक और डुप्लीकेट बना लिया है फास्ट का, मैं सिंपली जो हमारा डुप्लीकेट है उसको इटरेट करूंगा लेंथ। ओके आई प्लस प्लस, एंड हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मूव होगा, मतलब कॉन्स्ट ऑफ पॉज, पॉज होगा हमारा नेक्स्ट मूव अगर मेरा डाउन हुआ डी, मतलब एस टी आर ऑफ आई। ओके हम लोग इटरेट कर रहे हैं हमारा एस टी आर को, ठीक है, तो इफ पॉज इज इक्वल टू डी हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कॉन्स्ट ऑफ नोड इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ रो प्लस वन, ओके एंड डाउन मतलब रो प्लस वन एंड कॉलम। ओके हम लोग हमारा जो न्यू नोड है होगा हम लोग उसको क्रिएट कर लेंगे, मतलब जो हमने प्रीवियसली किया था, मैं सिंपली आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो, हमने जो चीज इधर किया था सिंपली सेम चीज मैं इधर कर रहा हूँ, न्यू नोड इज इक्वल टू जो पुराना नोड होगा हमारा वो रहेगा, एंड हम लोग हमारे जो इस पाथ को हम लोग ट्रू कर देंगे। ओके इस पाथ हमारा ट्रू हो चुका है, एंड सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे ग्रिड ऑफ रो प्लस वन कॉलम इज इक्वल टू हमारा न्यू नोड। ओके एंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रो को प्लस प्लस करेंगे, प्लस इज इक्वल टू वन, ऐसा कुछ। ओके एंड हम लोग अभी क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू रो प्लस वन। ओके अभी हमारा रो क्या है, कॉन्स्ट लेट ऑफ रो इज इक्वल टू 0, लेट ऑफ कॉल इज इक्वल टू 0। ओके हम लोग 0 0 के अंदर है, हम लोग एक बार रिटर्न करने के बाद हम लोग सिंपली डाउन जा रहे हैं, मतलब रो को प्लस कर रहे हैं प्लस वन। ओके एल्स इफ, मतलब अगर पॉज इज इक्वल टू अप हुआ, मतलब हम लोग अप जा रहे हैं, तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट, एंड मैं रो को सिंपली -1 कर देता हूँ। ओके -1 हो चुका है, एंड सिंपली मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इसके बाद हम लोग सिंपली करने के हवाले है कि एल्स इफ पॉज इज इक्वल टू राइट। ओके अगर हमारा नेक्स्ट मूव राइट हुआ तो हम लोग राइट वाला कंडीशन लिख लेंगे, मैं इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, एंड राइट मतलब हमारा कॉलम प्लस वन होगा, प्लस वन एंड ये होगा हमारा कॉलम, एंड कॉलम को हम लोग प्लस वन कर रहे हैं, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट, अगर ये लेफ्ट हुआ तो मतलब -1 होगा हमारा कॉलम, एंड -1 एंड -1। ठीक है हमारा ये सब कुछ हो चुका है, एंड सिंपली मैं क्या करता हूँ, सेट स्टेट के अंदर मैं ग्रिड को ग्रिड कर देता हूँ, ठीक है जो कुछ भी मैंने चेंज किया उसको मैं सेट कर देता हूँ। ओके मैं अगर इधर सिंपली एक वॉल कर देता हूँ अभी के लिए, मैं देखता हूँ ये सही से काम कर रहा है या नहीं, हाँ सही काम कर रहा है, लेकिन मैंने अभी क्या किया था,
सिंपली मैंने सबको मैं देख लेता हूँ एक बार। तो मैंने इस पाथ को मैंने ग्रीन किया था, नोट पाथ, बट सिंपली मैं अगर इसको चेक करूँ तो इधर क्या क्या है, इस नोट स्टार्ट नोट स्टार नोट स्टार नोट स्टार। ओके, मतलब नोट के अंदर। ओके, मैंने इधर नोट स्टार लिखा है, नोट पाथ। ओके, इसको आप सिंपली सही कर लेना है। ओके, तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एक बार मैं इसको सिंपली वॉल कर देता हूँ ऐसे, एंड मैं ओके इसने इधर गया इधर गया इधर 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 उसके बाद इधर, क्योंकि मैंने अभी तक ऑप्टिमाइज जो पाथ है उसको फाइंड नहीं किया। मैंने सिंपली कुछ भी एक पाथ मिल गया तो मैं सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ। ऑप्टिमाइज पाथ करना है तो आपको सिंपली ऑल पाथ को चेक करना है। तो आपको अगर ऑप्टिमाइज पाथ करना है तो सिंपली आप ऑल पॉसिबल पाथ्स को आप डिस्कवर करने के बाद देख सकते हो कौन सा पाथ सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, या तो आप एक शॉर्ट को मेंटेन कर सकते हो, उसके बाद आप सिंपली चेक कर सकते हो, वो अप टू यू। ओके, आप कैसे आप करना चाहते हो। तो अगर मैं इसको सिंपली थोड़ा सा शॉर्टेस्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे करना क्या होगा कि मुझे सिंपली इसको हटाना होगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। मैं इसको सिंपली हटा देता हूँ। ओके, एंड मैंने ये सब कुछ हटा दिया है, एंड इसको भी मुझे हटाना होगा। ओके, सब कुछ हो चुका है, एंड मुझे सिंपली इधर कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। ओके, मुझे इधर भी कुछ ऐसा फॉल्स रिटर्न नहीं करना है, सिंपली रिटर्न हो जाना है। इधर भी फॉल्स कुछ रिटर्न नहीं करना है, सिंपली रिटर्न हो जाना है। ओके, ये हमारा हो गया है, एंड ये कभी भी हमारा फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, एक्चुअली में एक कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, मैं इसको सिंपली हटा देता हूँ। अगर पॉसिबल पाथ, ये हमारा पॉसिबल पाथ डॉट साइज इक्वल टू 0, तो ये नल हमारा रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपली प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग पॉसिबल पाथ्स। ओके, अगर मैं कंसोल के अंदर जाऊँ एंड सिंपली ओके, मुझे इतना सारा पाथ मिला। ठीक है, हम लोग इतने सारे पाथ्स की मदद से हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर हो जा रहा है। तो हम लोग इसमें शॉर्टेस्ट जो नंबर होगा हम लोग उसको लेने वाले। तो इसके अंदर शॉर्टेस्ट नंबर कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सिंपली हम लोग इस एरे को, मतलब जो हमारा ग्रिड है उसको हम लोग सिंपली सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली हमारा जो पॉसिबल पाथ्स है उसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद मुझे जो छोटा एक मिलेगा उसको हम लोग सिंपली रन कर सकते हैं एज अ पाथ विजुअलाइजर। ओके, तो हम लोगों ने सिंपली इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे, हमने सिंपली इसको एक एरे के अंदर डाल लिया है। ओके, एरे के अंदर डालने के बाद मैंने सिंपली उसको सॉर्ट किया है, एंड मैंने उस एरे को विजुअलाइज किया है। उसके बाद मैंने सिंपली उस एरे को पास कर दिया। ठीक है, आई होप इससे काम हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि तो ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हम लोगों को सबसे पहले दिखाई दे रहा है। ओके, जो हमारा ये जो पाथ है ऊपर, जो सबसे ऊपर जो पाथ है वो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, हम लोगों ने उसको सिंपली रन कर दिया। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा फाइंड करने के लिए। मैं इसको एन को मैं सिंपली 5 कर देता हूँ, आई होप। ओके, ना ये जल्दी से फाइंड कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मान लीजिए मुझे इधर एक वॉल करना है। ओके, ना
एक शॉर्टेस्ट पाथ हम लोगों को मिल रहा है। ओके, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इधर जाके मैं इसको विजुलाइज नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कंसोल लॉक नहीं करना है। ओके, एंड मुझे ये मिल रहा है कैसे, अगर मैं इसको पूरा हाइड कर दूँ तो पाथ नॉट फॉर्म। ओके, बहुत से कम कर रहा है एक्चुअली में ये। मैं कंसोल को भी हाइड कर देता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ कि सिंपली मुझे अभी ये कुछ इतना फास्ट शो नहीं करना है, ठीक है, मैं धीरे धीरे शो करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जाना होगा हमारे रेड व्यूज के अंदर, जहाँ मैंने एल्गोरिदम को कॉल किया है। सिंपली मुझे एक और फंक्शन, मुझे इधर सिंपली सेट टाइम आउट, टाइम आउट, ओके, एंड फैट एरो फंक्शन, ओके, एंड जो कुछ भी कोड है हमारे पास वो इधर आ जाएगा। ओके, मैं इसको सिंपली स्टेट में सेव करने वाला हूँ, तो मैंने इसको सिंपली इधर लिख लिया। एंड उसके बाद मुझे एक टाइम डिफाइन करना होगा, मल्टीप्लाई आई। ओके, आई होप ये हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंपली रन करूं, तो ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अच्छा काम कर रहा है। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ इसको, ओके, अगर मैं सिंपली इसको मैं एक बार रिफ्रेश एंड स्टार्ट, ओके, ये अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है एक्चुअली। तो मैं सिंपली इधर एक वॉल कर देता हूँ, ओके, लाइक दिस। ओके, मैं इसको छोड़ देता हूँ एंड इसको वॉल कर देता हूँ, इसको वॉल कर देता हूँ और इसको मैं छोड़ देता हूँ। ओके, ले स्टार्ट। ओके, तो इसने बहुत अच्छी तरह एक पाथ फाइंड कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि विजुअलाइजर एक तरीके से बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बन जाता है, कि कोई कोई भी इसको विजुअलाइज कर सकता है। अगर आप कुछ भी बैकएंड का प्रोजेक्ट बनाते हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एंड उसको नॉर्मल लोग ज़्यादा विजुअलाइज नहीं कर सकते, मतलब बैकएंड में क्या चल रहा है उसको पता नहीं होता। लेकिन एक विजुअलाइजर के अंदर जो कुछ भी काम हो रहा है उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा चीज़ बन जाता है विजुअलाइजर। तो आप भी सिंपली इसको बना सकते हो एंड आपके रिज्यूमे के अंदर ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आपका इसका गिटहब लिंक चाहिए होगा तो सिंपली इसको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।